20 कुकिंग टिप्स खाने को लजीज बनाएगी, ज़रूर जानिए ये सीक्रेट। नंबर वन, अक्सर आप पहले ही रोटी पका के रख देते हैं तो रोटियां टाइट हो जाते हैं या सूख जाते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में रख देंगे कुछ सेकंड के लिए तो रोटियां सॉफ्ट रहेगी, लेकिन माइक्रोवेव ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, तो ऐसे में रोटियों को किसी पेपर या नैपकिन में लपेट कर सोते टिफिन में ठक्के डब्बे के अंदर ढक्कन बंद करके रख दे। उसके बाद कुकर में थोड़ा पानी भरे, फिर रोटियों के डब्बे को कुकर के अंदर डाल दे। कुकर का लोड बंद करके मध्यम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए गैस पे डाल दे। ध्यान रखें सीटी नहीं लगानी है, बस प्रेशर फरने तक ही रखना। उसके बाद कुकर खोल के टिफिन से रोटियों को निकाल कर देखिए, बिल्कुल ताज़े जैसा एकदम सॉफ्ट रोटी आपको मिलेगी। नंबर टू, इमली को सुखाकर नमक डालकर गोला बना लीजिए और एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए। इससे साल भर तक आपकी इमली खराब नहीं होंगे। नंबर थ्री, ढोकला पकाते समय थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च सिकुड़ दीजिए, स्वाद बढ़ जाएगी। नंबर फोर, भारतीय भोजन बनाते समय भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए सामग्री की एक विशेष क्रम में पकाइए। उदाहरण के लिए पहले प्याज, फिर लहसुन और फिर अदरक और टमाटर डालना चाहिए, क्योंकि हर सब्जी को पकने का अपना समय होता है। नंबर फाइव, मटर का समकीला हरा रंग बरकरार रखने के लिए मटर को उबालते समय पहले उसमें चीनी मिलाइए। नंबर सिक्स, दाल को पकाते समय योग बनाने और फैलने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें। नंबर सेवन, जलने से बचने के लिए उपमा खीर आदि बनाने के लिए भारी तले के बर्तन का उपयोग करें। नंबर एट, एक दिन पुराने मफिन को फ्रेश करने के लिए उस पर पानी सिरके एक पेपर बैग में रखें और 5 से 10 सेकेंड के लिए गर्म ओवन में रखें। पानी से बनी भाप नमी को रिस्टोर कर देगी। नंबर नाइन, अगर खाने को दोबारा गर्म करना हो तो खाने का बर्तन तलबे पानी के भागोने में रखकर ढक दे, कुछ देर में ताज़ा हो जाएगी। नंबर टेन, शिमला मिर्च की सब्जी काटते समय अंदर की बीज को निकाल दे, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 11, दाल के बर्तन की तली में लग जाने के बाद इसमें से जलने की बू आती रहती है, तो परेशान ना हो, इसमें बारीक कटे टमाटर और लौंग का सोख लगाइए, गंध दूर हो जाएगी। नंबर 12, मैदे की कचौड़ी, कुरमे, मौदरी आदि बनाने समय मैदे को थोड़ा दही बे गर्म घी डालकर गूंदे। नंबर 13, अगर आपके पास समय कम है तो 3 समय की रोटी बनाकर वेजिटेबल ऑयल लगाकर सिप जीप वाले पैकेट में रख दे। आप खाने से पहले माइक्रोवेव में गर्म कर ले, फिर ये ताजी हो जाएगी।